हेलो एवरीबॉडी, हाय। आप लोग कैसे? बेटा आपका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। मैं सीए एमके जैन, मनोज कुमार जैन, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, जिसमें मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूं। बच्चे मेरे से बहुत तरह की चीजें पूछते रहते हैं और मुझसे कहते हैं, सर आप YouTube के माध्यम से हमारे क्रूशियल प्रश्नों का जवाब सीधा सीधा दो टूक स्पष्ट बात शब्दों में ना ज्यादा घुमाए बगैर आप दिया करें, ताकि हम डिसीजन ले पाए सही तरीके से। तो आज का जो सवाल है, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो है वेदर टू गो फॉर वन ग्रुप और टू ग्रुप्स। बच्चे में से बहुत सारे बच्चे में से ये कहते हैं, सर हमें समझ नहीं आ रहा, हम सीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, हम सीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, हम सीएमए का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं, हमें लोग कह रहे हैं भाई दोनों ग्रुप देने चाहिए, दोनों ग्रुप देने के कई फायदे हैं। हम समझ नहीं पा रहे सर कि हमें दो ग्रुप देने चाहिए या एक ग्रुप। तो आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, बच्चों की इस सवाल का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में बच्चों को एक ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप। आइए चर्चा को जारी रखते हैं। बेटा जिस प्रकार से हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इसी तरह से सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो अगर मैं इसका ये जवाब दूं कि सभी बच्चों को एक ग्रुप देना चाहिए या सभी बच्चों को दो ग्रुप देना चाहिए, दोनों के दोनों ग्रुप्स देने चाहिए, तो मेरा जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। किसी बच्चे के लिए एक ग्रुप देना ज्यादा फायदेमंद है और किसी बच्चे के लिए दोनों ग्रुप्स देना ज्यादा फायदेमंद। ये तो पक्की बात है, जिस प्रकार से 100 का नोट 10 रुपए के नोट से बड़ा होता है, उसी तरह से दो ग्रुप्स देने का फायदा एक ग्रुप के मुकाबले ज्यादा होता है। कुछ फायदे मैं बता देता हूं। अगर एक ग्रुप में आपके मार्क्स कम आए तो आपको दूसरे ग्रुप में ज्यादा है उसका सेट ऑफ मिल जाता है। अगर मेरिट लिस्ट बनती है तो वो उन्हीं की बनती है जो दोनों ग्रुप्स देते हैं, ठीक है कि नहीं? पर अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दो ग्रुप्स देने के अगर फायदे ज्यादा हैं तो सभी बच्चे दो ग्रुप्स दें और दो ग्रुप्स के चक्कर में एक ग्रुप में भी पास ना हो पाए। तो आज हमने जो उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी है वो ये है कि बच्चे को कैसे तय करना है कि वो एक ग्रुप दे या दो ग्रुप। तो इसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं कि बेटा देखिए, नॉर्मली एक ग्रुप के अंदर वन ग्रुप इज इक्वल टू फोर पेपर्स, ठीक है ना? फोर पेपर्स का मतलब होता है कि अगर वन पेपर यू कैन प्रिपेयर इन वन मंथ, देन इट टेक्स वन ग्रुप, देन इट टेक्स 4 मंथ्स टू कंप्लीट वन ग्रुप। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें कि बच्चा एक नॉर्मल समय दे रहा है तो उसको एक पेपर को कंप्लीट करने में 1 महीना लगेगा, तो जो पूरा ग्रुप है जिसमें नॉर्मली 4 पेपर होते हैं उसको कंप्लीट करने में उसको 4 महीने लगेंगे। तो इसका बहुत आसान और सरल तरीका है कि पहले से ही आप दोनों ग्रुप का ना सोचें। आपका एग्जाम मान लीजिए 9 महीने बाद है, 1 साल बाद है, तो आप पहले एक ग्रुप को पकड़ें, उस ग्रुप के चारों पेपर को, एक पेपर को 1 मंथ के हिसाब से कंप्लीट करने के टारगेट के हिसाब से आप प्रोसीड करें और मेक श्योर करें कि एक पेपर आप 1 महीने में खत्म कर लेते हैं। इस तरीके से जो पूरा ग्रुप है वो 4 महीने में आप पहले खत्म कर लीजिए। 4 महीने में जब आप अपना पूरा का पूरा ग्रुप खत्म कर लेंगे फिर आप डिसाइड करिए, डिसाइड अब आप इवेल्युएट करिए कि क्या आपको ये जो ग्रुप है जो आपने 1 मंथ पर पेपर के हिसाब से तैयार किया है, यानी 4 महीने के अंदर आपने पूरा ग्रुप तैयार किया है, क्या आप इसमें कंफर्टेबल हैं, क्या आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ गया है, क्या आपको लग रहा है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छे से हो गई है, बस अब मुझे सिर्फ 2 बार और रिवीजन करना है। याद रखिए, किसी भी पेपर को सही तरह से तैयार करने के लिए 3 बार पढ़ना होता है। पहली बार आप 1 मंथ इक्वल टू 1 पेपर के हिसाब से पढ़िए, दूसरी बार 15 डेज हाफ अ मंथ इज इक्वल टू 1 पेपर के हिसाब से पढ़ेंगे, और तीसरी बार 1 वीक इज इक्वल टू 1 पेपर के हिसाब से आप रिवाइज करेंगे।
तो पहली बार जब आप 4 महीने लगा के एक पूरा ग्रुप तैयार कर लेंगे तो उसके बाद अपना कंफर्ट लेवल इवैल्यूएट करिए। आप देखिए क्या आपने सब कुछ ठीक समय से कवर किया, क्या आपको पढ़ने के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ भाई मेरी तैयारी ठीक हो गई है, मुझे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा, मेरे माइंड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है तो आप दूसरे ग्रुप की भी तैयारी इसी पैटर्न पे करिए। उसके बाद फिर आपने दो दोनों ग्रुप्स को बार बार दो बार और रिवाइज करना है, 15 दिन वन पेपर के हिसाब से और 1 वीक वन पेपर के हिसाब से, राइट। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब समझने की बात यह है कि अगर मान लीजिए आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप दूसरे ग्रुप की तैयारी करिए, और दूसरे ग्रुप की तैयारी होने के बाद देखिए कि आपको दोनों ग्रुप में कोई ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं लग रही, और फिर फटाफट दो बार और रिविजन करनी है। उसमें थोड़ा टाइम आपको कर्टेल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास 1 साल है तो आपको थोड़ा, मैंने जैसे कहा 15 दिन इक्वल टू वन पेपर, उसकी जगह आपको 10 दिन इक्वल टू वन पेपर के हिसाब से सेकेंड रिविजन करनी पड़ेगी, और थर्ड रिविजन 5 डेज इक्वल टू वन पेपर के हिसाब से, तभी आप 2 महीने के अंदर दोनों ग्रुप रिवाइज कर पाएंगे। और अगर आपको 4 महीने बाद लगता है कि भाई ये मेरे को काफी डिफिकल्ट लगा, अभी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैंने 1 मंथ वन पेपर के हिसाब से तैयारी करने की कोशिश तो की पर मेरी बहुत सारी चीजें छूट गई हैं और मुझे बहुत सारी चीजों में इतनी पकड़ नहीं आई, अभी मुझे उनको डिटेल से फिर पढ़ना पड़ेगा, तो आपका फैसला हो गया कि आपको एक ग्रुप देना है। तो यानी मोटा मोटा ये हो गया कि पहले आप एक ग्रुप की तैयारी करिए इस पैटर्न के हिसाब से। एक ग्रुप की तैयारी होने के बाद आप देखिए अपना कंफर्ट लेवल, उसके बाद आप फैसला करिए कि आपने दो ग्रुप देने हैं या एक। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो एक ग्रुप के लिए जाइए, और अगर कंफर्टेबल लगे तो दो ग्रुप के लिए जाइए। अब जो सिर्फ वन ग्रुप के लिए जाते हैं उनको फिर सेकंड जो रिवीजन करनी है, क्योंकि उनके पास फिर ज्यादा टाइम बचेगा, तो जो सेकंड रिवीजन करनी है वो वन पेपर इक्वल टू 15 डेज ले लें, या वन पेपर इक्वल टू 3 वीक्स भी ले सकते हैं, 21 दिन के लगभग। इस तरह से प्लान करके वो उसको रिवाइज करें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर पहली बार में ही एक ग्रुप में पास हो जाएं। और थर्ड रिवीजन के लिए वन पेपर इज इक्वल टू 7 डेज, यानी एक हफ्ते के हिसाब से उसको तैयार करें। अब जो बच्चे ये फैसला कर रहे हैं 4 महीने के बाद कि भाई हमारी तो तैयारी अच्छी हो गई, हमें तो कोई इतना बर्डनसम लगा नहीं, कोई इतना डिफिकल्ट लगा नहीं, तो वो टू ग्रुप्स के लिए जाए। तो ऐसा करने से टू ग्रुप्स के केस में फिर वो सेकेंड ग्रुप को 4 मंथ्स में, जैसा कि ऊपर बताया गया था, कंप्लीट कर लें, और फिर वो सेकेंड रिवीजन जो है वन पेपर इज इक्वल टू 10 डेज के हिसाब से करें, तो 8 पेपर करने में उनको जो है, 8 पेपर्स हो जाएंगे ना दोनों ग्रुप के मिलाकर, 8 पेपर्स को करने में उनको लगभग 80 दिन लगेंगे। यानी लगभग जो उनको 80 दिन लग गए, यानी लगभग 2.75 मंथ में उनका सेकेंड रिवीजन हो गया। फिर जो वो थर्ड रिवीजन करें उसको वो वन पेपर इक्वल टू 4 डेज के हिसाब से करें, तो 8 पेपर करने में लगभग उनको 1.1 मंथ लगेगा, 8 पेपर हो गए 32 दिन के, तो लगभग 1.1, यानी दोनों इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 4 मंथ हो गए। तो यानी पहले 4 मंथ में उन्होंने फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया, कंप्लीट किया, पहली बार अपना कंफर्ट लेवल देखा, उनको लगाया मेरा तो बड़ा कंफर्ट लेवल है, मुझे तो बहुत आसान लग रहा है, इतना प्रेशर ही नहीं आया, और उन्होंने फैसला किया कि वो दो ग्रुप करेंगे। तो जिस तरह से उन्होंने पहला ग्रुप 4 महीने में किया था, उसी प्रकार से सेकेंड ग्रुप वो 4 महीने में करेंगे। अब
उन्होंने आठों के आठों पेपर्स यानी दोनों ग्रुप्स 8 महीने में कंप्लीट कर लिए। सेकंड रिवीजन में लगभग वो 2.5 महीने लगाएंगे, थर्ड रिवीजन में लगभग वो 1 महीना लगाएंगे, यानी सेकंड और थर्ड रिवीजन जो है वो अगले 4 महीने में पूरी कर लेंगे, यानी कुल मिला के 12 महीनों के अंदर उन्होंने दोनों ग्रुप की तैयारी तीन तीन बार पर सब्जेक्ट रिवाइज करके कर ली। ऐसे केस में वो दोनों ग्रुप में फ्लाइंग कलर्स के साथ पहली बार में पास हो जाएंगे। और जिन बच्चों को लगा कि भाई ये तो डिफिकल्ट है, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये बहुत दिक्कत दे रहा है मुझे, तो उनका फैसला होना चाहिए कि वो एक ग्रुप देंगे। और एक ग्रुप के केस में सेकंड रिवीजन उनको 15 दिन के हिसाब से 2 महीने में हो जाएगी और थर्ड रिवीजन 7 दिन के हिसाब से 1 महीने में हो जाएगी, यानी सेकंड और थर्ड रिवीजन उनकी लगभग 3 महीने में हो जाएगी और 4 महीने उन्होंने पहले लगाए थे, टोटल 7 महीने में उनका पूरा ग्रुप अच्छे से तैयार हो गया। चूंकि उनको डिफिकल्ट लगा था तो अभी भी उनके पास 5 महीने बचे हुए हैं जिसमें वो अपने इस ग्रुप को 2, 3, 4 बार और रिवाइज कर सकते हैं, और बेटर कर सकते हैं, सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं, लिख लिख के दे सकते हैं, जिससे वो पहले ग्रुप में इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स लाएं ताकि दूसरे ग्रुप के लिए उनका जो हौसला है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हो गया कि एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप देना है, ये बच्चे की अपनी कैपेसिटी पर, अपनी कैपेबिलिटी पर, अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका फैसला कैसे किया जाना चाहिए, पहले एक ग्रुप की तैयारी करें, उस तैयारी के बाद सोचें कि हम दो ग्रुप दें या एक ग्रुप दें, और दोनों केस में आपने किस तरह से फर्दर तैयारी करनी है इसका भी मैंने आपको बड़ा ही क्रिस्प, जिसे कहते हैं ना, तरीके से बता दिया है। दो शब्दों में बिना किसी बात को घुमाए दोनों तरीके से बता दिया। और मैंने ये मान के चला है कि भाई आपके पास 1 साल है अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। कैसा लगा? उम्मीद करता हूं आप अपनी इस समस्या का समाधान पा गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो इसको लाइक करना जरूर याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की वीडियो बनवाना चाहें तो कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी रिक्वेस्ट दें, सूनर और लेटर जो भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी उसमें मैं स्पेशली छोटी शॉर्ट क्रिस्प वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।